must surrender, because they've got Narendra. Give it up for the Tamil Thalaivas. तमिल थलाइवास का जहां तक सवाल है, अब तक उन्होंने जो शुरुआत की है वो चौंकाने वाली है, और उस चौंकाने वाली शुरुआत का सबसे बड़ा किरदार अजिंक्य पवार के रूप में है, जिन्होंने पहले ही मुकाबले में तहलका मचा दिया था। सीजन 9 में पहली बार थलाइवास प्लेऑफ्स तक पहुंचे थे। आप जानते हैं इससे पहले कभी भी उन्हें प्लेऑफ्स का मौका नहीं मिला। प्लीज गिव इट अप फॉर द बीस्ट्स फ्रॉम द ईस्ट, द बंगाल वॉरियर्स। कितना दम दिखा दे तू, माइक मनिंदर लेकर के मैच पे तैयार अपनी टीम के साथ। आज गर्जे गर्जेंगे, दर्पण दिखेगा इस टीम का। अपने पूरे पीकेएल करियर में 1245 रेड पॉइंट माइटी मनिंदर ने लगाए हैं, और आज और ज्यादा पॉइंट्स लगाएंगे। अभी तक 2 मैचेस हुए, जिसमें से एक मैच जीती बंगाल वॉरियर्स और एक मैच उनका टाई हुआ। आज दूसरी जीत की तलाश है। कुछ लम्हे पहले यहां पर कॉइन टॉस हुआ, तमिल थलाइवास ने टॉस जीता और पहली रेड बंगाल वॉरियर्स की। क्या मनिंदर को देखेंगे पहली रेड में? तो जबरदस्त टकराव आज दोनों कोचेस के बीच में भी है। रेफरी आजम खान तैयार हैं इस मुकाबले को शुरू करने के लिए। मैं हूं संजय बैनर्जी, मेरे साथ मौजूद है मेरे युवा साथी ओशन शर्मा और कबड्डी के दिग्गज ऋषांक देवड़ी का। आप दोनों का स्वागत, वेलकम ओशन। धन्यवाद दादा। और माइटी मनिंदर शुरुआत करते हुए 1245 रेट पॉइंट्स इनके पास। अपनी माइट और अपनी फोर्स के लिए जाने जाते हैं, डिफेंडर्स को खुदा खींच के ले जाते हैं ये दूसरी तरफ। बोनस पॉइंट, बहुत ही अच्छा फुटवर्क मनिंदर का, और बोनस लेने में कामयाब रहे। अब नरेंद्र आए आते बराबर, वो टू टच करके 1 पॉइंट पॉइंट हासिल किया नरेंद्र ने। नंबर 69 बाहर किया शुभम शिंदे को, यानी कि टीम के वो सबसे बेहतरीन डिफेंडर हैं। राइट कॉर्नर पर रहते हैं, देखिए पैर को कितना ज्यादा स्ट्रेच किया नरेंद्र ने, कमाल का टू टच बिल्कुल शुरुआत में। श्रीकांत यादव 617 रेट पॉइंट्स है उनके पास, 14 सुपर टेंस उन्होंने लगाए हैं, और उनकी पूरी कोशिश थी एक बार के लिए साहिल गुलिया के ऊपर हावी होना चाहते थे, लेकिन जाते जाते पॉइंट ले गए। क्या यहां पर कुछ गड़बड़ी हुई है? 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स, बंगाल वॉरियर्स को पॉइंट मिला है, यानी कि कामयाबी के साथ लौटे। पहला टू टच, उसके बाद बोनस लेने में कामयाब रहे नरेंद्र। अब मनिंदर आए बोनस में, 249 पॉइंट्स हैंड टच, 241 टू टच, 40 पॉइंट बोनस प्लस 2 पॉइंट्स बंगाल वॉरियर्स। 2 पॉइंट्स नंबर 10 एंड नंबर 2 सुपर रेड हमने देख ली मनिंदर की। डिफेंस क्या कर रहा है, इतना एडवांस जाकर के मनिंदर को टैकल करने की क्या वजह? बिल्कुल बहुत एडवांस गए, मोहित गलती कर बैठा है, लेफ्ट कवर के डिफेंडर है एम अभिषेक, आउट होने के बाद मोहित ने वो पोजीशन खेला और गलती कर बैठे, और नरेंद्र को भी बाहर किया गया। आदित्य दूसरी तरफ से भाग के आए, उन्हें साथ भी मिला बाकी खिलाड़ियों का। डिफेंस बहुत सक्रिय, एक खिलाड़ी शायद सेल्फ आउट हो सकता है, लेकिन नरेंद्र पे बहुत बड़ा भार था जिसको वो पार नहीं पा पाए। दोनों तरफ एक एक पॉइंट, बिल्कुल बोनस करने की कोशिश थी। शिंदे एंकल होल्ड के लिए गए, उसके बाद दर्पण और वैभव गर्जे चेन लेके वो टैकल कंप्लीट किया उन्होंने। नितिन आए हुए हैं रेड पर, एक यंग रेडर नितिन, पिछले मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन किया था, कैच किया, लेफ्ट कॉर्नर से बाहर कर दिया। 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स, नंबर 4 रन। बहुत ही अच्छा फुटवर्क है नितिन का, डीप जाके ये हैंड टच किया और एक पॉइंट हासिल किया अपने टीम के लिए। नितिन सुपर टैकल की सिचुएशन में, रॉक सुपर टैकल कामयाब नहीं हो पाया। 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स,
एक कॉर्नर्स में जल्दबाजी दिखानी, खमियाजा चुकाया, बहुत ही एडवांस गए सागर, अटैक लिया नहीं था नितिन कुमार ने, उसके पहले ही उसे टैकल करने गए। सबसे बड़ी परेशानी है तलाईवास के साथ, टीम को संभालने के लिए कोई अनुभवी कप्तान नहीं। बीच से निकले मनिंदर, वन पॉइंट मंगल वॉरियर्स, और यहां बाहर किया है अभिषेक को, ऑल आउट की तहलीज पर पहुंच गए तमिल तलाईवास। सात का डिफेंस, कंप्लीट डिफेंस, क्या कोई रिवाइव कर पाएंगे? ऐसे सिचुएशन में पॉइंट स्कोर करते हुए देखा हमने अजिंक्य पवार को, और ले गए पॉइंट, बोनस प्लस पॉइंट लेने में माहिर है अजिंक्य पवार। अजिंक्य पवार जब दबाव में हो, जब मुश्किलों में हो, तो इससे बेहतरीन रेडर कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है सीजन 10 में। प्रेशर में बढ़िया कल खेलते हुए अगली रेड, मनिंदर, माइटी मनिंदर वापस आए, और इस बार कोई गलती नहीं, सुपर टैकल ऑन था एक तरफ, लेकिन माइटी मनिंदर अजिंक्य भी खैर का पॉइंट दे चुके हैं। माइटी मनिंदर के पास पॉइंट गए और ऑल आउट। जिंदगी में घर बनाने का मौका और पहचान बनाने का मौका एक ही बार मिलता है, लेकिन कबड्डी में आप ऑल इन हो सकते हैं, तो लीजिए पंगा। देखिए बहुत प्रेशर बनाया था मनिंदर ने मोहित के ऊपर, फुटवर्क अच्छा है और अपनी पहली नजर से देख भी रहे हैं कि किस डायरेक्शन में जाएं। हालांकि साहिल पूजा के ऊपर भी उनकी निगाहें आई थी, लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी हैं, लेकिन ये पकड़ लिया मोहित ने उन्हें। बोनस पॉइंट बंगाल वॉरियर्स, वन पॉइंट तमिल तलाईवास। बोनस तो दे दिया गया, पर नरेंद्र की तारीफ करना चाहूंगा, मौका देखते ही सही समय पे वो एंकल होल्ड करके टीम का कॉम्बिनेशन साथ में देखने मिला। उसके बाद नितिन सिंह को सीधे उन्होंने बढ़िया बैकटच किया, सेंट लाइन को क्रॉस किया, तमिल तलाईवास ने वापसी की शुरुआत कर दी। नितिन सिंह आज स्टार्टिंग सेवन में खेल रहे और अच्छा प्रदर्शन। माइटी मनिंदर फिर से पॉइंट्स बखूबी निकालते हैं, सुपर रेड भी कर चुके ऑलरेडी, अपनी पहली रेडिंग सुपर रेड बनाई थी, चार रेड में छह रेड पॉइंट्स, लेकिन इस बार उन्हें डैश आउट किया गया है क्या? ऐसा लगता है कि डैश हो चुका है। एम अभिषेक का जो डैश आया था वो परफेक्ट था, देखना होगा। बोनस करने की कोशिश थी, साहिल गए थे एंकल होल्ड पे, पर बहुत ही सॉलिड डैश एम अभिषेक का, पर मुझे लगता है रेडर आउट दिए जाएंगे क्योंकि बाहर से उन्होंने मिडलाइन क्रॉस किया है। बिल्कुल, तो शुरुआत की है वापसी की, इसमें कोई शक नहीं। नितिन सिंह एक बार फिर, एक तरफ से नितिन सिंह और दूसरी तरफ से नितिन, दोनों बेहतरीन रेड करते हुए शुभम चंदे फिर बाहर जाएंगे, और आवश्यक टैकल करने के लिए गए शुभम चंदे, खमियाजा चुकाया उन्होंने। नरेंद्र आए रेड पे, लगातार स्कोर कर रहे नरेंद्र, प्रेशर बना रहे बंगाल वॉरियर्स की डिफेंस पे, और ये अच्छा मौका है बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ, ये जो बढ़त है उसे पूरी तरह से पाटने का। देखिए कितना लंबा स्ट्रेच किया, पांच पॉइंट्स की लीड यहां पर। अक्षय भरत आए हैं डैश करने की कोशिश जरूर, लेकिन नुकसान उठाएंगे। मुझे तो लगता है दादा रेडर सेव दिए जाएंगे, और देखना होगा कि अक्षय गुहिर जब डैश के लिए गए थे तब टाइमिंग परफेक्ट हुआ या नहीं। और यहां पे ऑल आउट, जीवन में घर बनाने का और पहचान बनाने का मौका केवल एक ही बार मिलता है, तो जब भी मौका मिले ले पंगा। तमिल तलाईवास ने पिछले पांच मिनट में जो बढ़त बनाई है वो 9 पॉइंट्स लेकर के, लेकिन बंगाल वॉरियर्स भी तैयार है जवाब देने के लिए, मनिंदर तैयार है जवाब देने के लिए। एक पॉइंट, माइटी मनिंदर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं आज, बहुत ही बढ़िया रिफ्लेक्सेस दिखाई दे रहे हैं।
बहुत ही अच्छा रनिंग हैंड टच वॉक करके, लेकिन नरेंद्र भी कुछ कम नहीं, तो खिलाड़ी उन्होंने बाहर किए, बिल्कुल आज रोकना मुश्किल है नरेंद्र के लिए। बोनस की कोशिश की, उसके बाद ये डुबकी लगाई दर्पण के नीचे से। सुपर टैकल ऑन है, तीन या तीन से कम डिफेंडर्स हो तो सुपर टैकल ऑन रहता है, और इसी में दिक्कत हो सकती है। रोक सुपर टैकल शुभम के द्वारा, ये मगर की जकड़ थी जिसने वो एंकल पकड़ लिया। बिल्कुल शुभम बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने एंकल होल्ड में, 70% स्ट्राइक रेट है इनका डू ऑर डाई में। तभी देखिए एक को बाहर किया, कितना बढ़िया रिफ्लेक्शन, कितनी अच्छी वापसी, टच किया और कामयाब अजिंक्य बाबा। बहुत ही अच्छा रनिंग हैंड टच अजिंक्य पवार का। बोनस मिल गया तो वापस आ चल, और अब अकेला खिलाड़ी बाकी है, यानी कि वॉरियर्स ऑल आउट के नजदीक पहुंच रहे हैं। ऑल आउट इसके साथ ही सागर ने टैकल किया, और इसके साथ ही घर बनाने का और पहचान बनाने का मौका केवल एक ही बार मिलता है, तो जब भी मौका मिले ले पंगा। और ये सागर ने दिखा दिया कि कैसे बंगाल वॉरियर्स को वापस उस मोमेंटम को तोड़ने की शुरुआत करनी है। अश्विन कुमार काफी ज्यादा खुश इस प्रदर्शन से तमिल थलाइवास के। भाई कमबैक टीम के तौर पर हम बुल्स को जानते हैं, लेकिन थलाइवास भी एक जबरदस्त कमबैक टीम है। पिछले 10 मिनट में 17 पॉइंट, जहां डुबकी लगाने की कोशिश की लेकिन जाल में फंस गए मछुआरों के। टीवी एम्पायर, तमिल थलाइवास चैलेंज रेडर सेफ, आर डिसीजन रेडर आउट, प्लीज रिव्यू। आप तो ऑक्टोपस बॉल है, पूरा सही से आपने प्रेडिक्ट किया पहले, जबरदस्त तरीके से तकरीबन एक उंगली की जो बोर है वो बाहर निकल गई मिड लाइन से, बढ़िया। Review successful. Raider safe. 2 points. Tamil Thalaivas. Captain, you have written your review. जो एक टाइम पे तमिल थलाइवास 7 points से पिछड़ रहे थे, वो अब 6 points की लीड पे आ गए हैं। Half time. Change the court. इसी के साथ पहला हाफ समाप्त हुआ, तमिल थलाइवास ने लीड बना ली है, लेकिन बंगाल वॉरियर्स इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। लगेगी कांटे की टक्कर अब। लीड गवाई है वॉरियर्स ने, क्या अपनी बढ़त को दोबारा हासिल कर पाएंगे। नितिन सिंह 5 का डिफेंस है, लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश लेफ्ट कॉर्नर पर, दर्पण मौजूद है लेफ्ट कॉर्नर पर, स्टार्टिंग 7 में शामिल किया गया है आज दर्पण को, पिछले मुकाबले में सब्स्टिट्यूट के तौर पर अंदर आए थे शिंदे बंधु, रत्नागिरी के शिंदे बंधु। ऋषभ बिल्कुल दादा, आज सिर्फ 3 टैकल पॉइंट है डिफेंस में, और शुभम शिंदे ने खास करके आज अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया डिफेंस में। बाहर निकल गया था कोई डिफेंडर, यस नहीं निकल गया, क्या ऋषभ क्या लगता है? बिल्कुल दादा, पहले डिफेंडर बाहर निकल गया था। The show must go on, और ये बात अब बंगाल वॉरियर्स को जाननी पड़ेगी। माई टीम अनिंदर सुपर 10 के करीब है। कहानी कैसे बदलती है प्रो कबड्डी के मुकाबले में, 7 पॉइंट से पहले वॉरियर्स आगे थे, और अब 7 पॉइंट तो नहीं 6 पॉइंट से तमिल थलाइवास आगे हैं। एक तरफ सुपर 10 भी लगा सकते हैं, कोशिश रहेगी, छटपटाहट है जरूर। पांच का डिफेंस, बहुत मुश्किल होता है इस डिफेंस को भेजना, ये एक चक्रव्यूह है, और उस चक्रव्यूह को और ज्यादा टेंशन भरा बनाता हुआ ये डू ऑर डाई काफी मुश्किल रहेगी, और उसी मुश्किल में 1 point तमिल थलाइवास। तमिल थलाइवास का डिफेंस अब गरज रहा है, कुल मिलाकर ये 7वां टैकल पॉइंट, देखिए किस तरह से सागर में खाप मारा, शफलिंग देखिए उनके फुटबॉल के साथ, उनकी गति देखिए, उनका ड्राइव देखिए, और ये देखिए नरेंद्र की सुपर रेड, एक रेड में क्या वो तमिल थलाइवास के नजदीक पहुंच चुके हैं। Yes. गेम अगर बदला तो
यही बदलेगा जिस प्रकार से माइटी मनिंदर आखिरी कुछ क्षणों में मिडलाइन पर गया और ये सुपर रेड माइटी मनिंदर चलता फिरता पॉइंट मशीन है ये खिलाड़ी। सुपर टेन भी पूरा किया मनिंदर ने इसके साथ ही। मनिंदर की बात करें तो 66 सुपर टेन पीकेल करियर में उनका कंप्लीट किया उन्होंने और एक और पॉइंट लेने में कामयाब। अभिषेक बार बार गलती करते हुए दिख रहे हैं हमें मनिंदर पे। नंबर सेवन अभिषेक ये गलती कर दी उन्होंने, जाना चाहते थे एंकल होल्ड के लिए लेकिन तब तक खिसकन हो गई थी, पकड़ नहीं पाए। मनिंदर एक और पॉइंट निकाल गए। दूसरी तरफ टू ऑड आए, काफी जरूरी रहेगा पॉइंट निकालना लेकिन ये बैक होल्ड जिसके लिए तैयार भी नहीं थे वो। शुभम शिंदे की तरफ से एक ऐसी आंधी आई जो तमिल तलाईवास के अजिंक्य पवार को समा गई। अजिंक्य पवार को एहसास था कि शुभम शिंदे पीछे आ चुके हैं लेकिन तब तक टर्न एंड ट्विस्ट के बावजूद निकलने का मौका नहीं। इसके साथ ही तमिल तलाईवास एक बार फिर ऑल आउट हो चुके हैं इस मुकाबले में। जीवन में घर बनाने का और अपनी पहचान बनाने का मौका केवल मात्र एक ही बार मिलता है, तो जब भी मौका मिले ले पंगा। और अब पिछले 5 मिनट में बंगाल वॉरियर्स ने ये गेम पलट दिया है। सुनामी है बंगाल वॉरियर्स की, उसमें एक पॉइंट और जोड़ दीजिए क्योंकि अब नरेंद्र कंडोला को भी बात करेंगे। वन पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। सागर की लहरों सा उतार चढ़ाव है इस मुकाबले में, कभी वॉरियर्स आगे तो कभी तलाईवास आगे। नरेंद्र का बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किलें पैदा कर सकता है तलाईवास के लिए। 2 पॉइंट्स के लीड, विश्वास आए हैं रेड पर, कर्नाटक से हैं विश्वास, मांड्या जिले के सब्स्टिट्यूट के तौर पर उनका इस्तेमाल हो रहा है और यहां 2 अटाई में आए हुए हैं विश्वास। डिफेंस ने काम किया, अगला रिवाइवल जरूरी था नरेंद्र का। नरेंद्र रिवाइव हुए विश्वास के बाहर जाने के कारण। बिल्कुल बहुत ही अच्छा अटैक लिए सागर, चेन लेके आए थे, उनको पता था आगे अटैक लेने वाले। हिंदी में कहावत है ऊंट किस करवट बैठेगा, यहाँ तो ऊंट को ही पता नहीं क्या जबरदस्त टैकल किया। वन पॉइंट बंगाल। और इसके साथ ही अब वॉरियर्स ने अपनी लीड को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया है। तलाईवास के हाथ से आई हुई लीड एक बार फिर वो गंवाने लगे हैं। डू ऑर डाई का इंतजार कर रहे थे, नितिन आए हैं डू ऑर डाई में। 5 का डिफेंस है, पैरों पर गए, गलती कर गए, राइट कॉर्नर से ये गलती करवाई, वहां पर सागर मौजूद थे। ये मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है दादा, बहुत ही जबरदस्त एस्केप नितिन का। नरेंद्र आए अभी रेड पे और नरेंद्र ऑलमोस्ट मिडलाइन पे चले जाते, जंप अच्छा था, हालांकि डबल टाई होल्ड। ये गेम पलट सकता है तमिल तलाईवास के हित में, नहीं जा सकता इसके बाद गेम, लेकिन कोशिश करेंगे कि वापस आ सके वो। मनिंदर आए सुपर टैकल सिचुएशन में, बहुत घातक रहते हैं ये जिस स्टेज में, और पॉइंट लेने में कामयाब। अभिषेक के लिए आज का दिन कतई भूलने वाला दिन है, 5वां फेल टैकल किया उन्होंने, एक भी पॉइंट नहीं ला सके डिफेंस में, और इससे पहले भी अभिषेक का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है। ये देखिए कितना मोटा टच किया मनिंदर ने। माइटी मनिंदर उनके लिए ऐसे में पॉइंट्स निकालना बहुत आसान रहता है। एक खिलाड़ी सेल्फ आउट हुए और ऑल आउट बंगाल वॉरियर्स के पास और पॉइंट्स। जीवन में घर बनाने का और पहचान बनाने का मौका केवल एक ही बार मिलता है और जब भी ये मौका मिले तो लीजिए पंगा। पूरी तरह से प्रेशर बनाया था साहिल के ऊपर मनिंदर ने अपने फुटवर्क से। 5 मिनट बचे, मल्टी रेड पॉइंट लगाने होंगे और मनिंदर को टैकल करना होगा तमिल तलाईवास को अगर इस मैच में वापस आना है तो।
नितिन अगली रेट के लिए, क्या मिडलाइन टच हुई है, कॉन्फिडेंस है, क्लेम भी कर रहे हैं। डैश के लिए आए थे अभिषेक, शायद रेडर सेफ होगा क्योंकि जब मिडलाइन क्रॉस किया वो अंदर ही थे रेडर, अभिषेक को बाहर जाना होगा। क्या ये मुकाबला नरेंद्र अब पलट पाएंगे या उनके हाथ से निकल चुका है, बिल्कुल निकल चुका है ऐसा लगता है। वॉरियर्स का और आठवां टैकल पॉइंट शुभम शिंदे का, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इस सीजन में। उनकी ये चुस्ती, उनकी ये फुर्ती आमतौर पर देखने को मिलती नहीं है। मुकाबला भी खत्म नहीं हुआ। दादा पहली बार मैंने देखा अजिंक्य पवार को ऐसे जंप लेते हुए और ये बहुत जबरदस्त जंप और एस्केप बहुत ही बेहतरीन। पता था आदित्य शिंदे आएंगे डबल थाई होल्ड के लिए और मौका देखते ही वो जंप करके मिड लाइन क्रॉस करके निकला है। डू और डाई रेड बंगाल वॉरियर्स के लिए, मनिंदर सिंह डू और डाई में और डिफेंस अभी भी सक्रिय तमिल तलाईवास का। वन पॉइंट तमिल तलाईवास, नंबर 7 जाते बोनस ले गए, जो घाटा उन्होंने दिया था उसकी भरपाई कर गए, फासला अटका ही रहा। नरेंद्र कंडोला के ऊपर और उसके बाद डिफेंस का सपोर्ट आ गया। रेड करने के लिए नितिन सिंह, चार के डिफेंस के अगेंस्ट जाना चाहते, निकल के मिडलाइन के करीब पहुंच चुके, बस हाथ लगाने की देरी थी, लेकिन शुभम शिंदे होंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छा डिफेंस किया। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन शुभम शिंदे का। पता था रनिंग हैंड टच के लिए आगे आएंगे रेडर, उसके बाद मौका देखते ही वो ब्लॉक करने की कोशिश और 10 टैकल पॉइंट कंप्लीट किए शुभम शिंदे ने आज उनके। 1 मिनट का वक्त बाकी है और 9 पॉइंट्स की लीड है। शुभम शिंदे 100 टैकल पॉइंट्स भी ओवरऑल अपने पूरे कर चुके हैं करियर में इसके साथ, जो कि और बड़ी बात हो जाती है। और उसी के साथ और भी पॉइंट्स, बंगाल वॉरियर्स का डिफेंस लेते ही जा रहा है। 7 पॉइंट से कम रखना पड़ेगा अगर पॉइंट चाहिए, लेकिन उन्हें खींच के अपने ही पाले में ले गए। 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। फिर से शुभम शिंदे एक नाइटमेयर बन गए हैं तमिल तलाईवास के लिए। 1 पॉइंट का फासला कम हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा और कुछ होगा नहीं अब इस मुकाबले में। तमिल तलाईवास 1 पॉइंट जरूर कम किया, लेकिन मुकाबला वॉरियर्स के नाम गया। कुल मिलाकर 11 पॉइंट के फासले से बंगाल वॉरियर्स ने इस मुकाबले को जीता। शानदार प्रदर्शन, बुल्स को 32-30 से हराया, पैंथर्स के साथ 28-28 से टाई खेले और आज तलाईवास को 11 पॉइंट से शिकस्त दी वॉरियर्स ने। तो वॉरियर्स का शानदार सफर अब तक।